ये मेरा फूड आ ओहा नाई गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ मोनी, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज थोड़ा लेट हो गई आप लोग को मिलने के लिए, क्योंकि थोड़ा अभी सुबह उठने के बाद आप लोग को पता है डेली टाइम टेबल वही सेम होता है। आज बच्चों को स्कूल भेजा है, ईशान का मैंने एक एप्लीकेशन भी लिख दिया है फादर के लिए, उसका एब्सेंट का रीज़न बता के 6 डेज का ईशान का एब्सेंट लग गया। क्या करें, मजबूरी है, आप लोग को तो मालूम है मेरे घर का हालत की वजह से उसको लेके नहीं जाने से भी नहीं है, छोटा बच्चा है, पापा को साथ ले रख के जाने से वो नहीं कंट्रोल कर सकते। और ईशान भी स्कूल चला गया, आज है एकादशी हम लोग का। वेलकम बैक, मैंने बहुत देर बाद आप लोग से मिली हूँ। मैं दोपहर का भी लंच बनाने आई हूँ। सुबह मैंने आलू का सब्जी ज़्यादा से बना के रखा था और इसके बाद आटा भी गूंद के रखा, तो अभी हस्बैंड को मैं रोटी बना दूँ। सुबह तो रोटी खा लिया था, अभी मैं पराठे बना रही हूँ। इसको 3-4 लेयर्स वाला पराठा बोलते हैं, ट्राइंगल वाला, तो मैं उसको आलू के सब्जी के साथ वो पराठे दूँगी। बच्चे लोग आने के अभी टाइम है, 2 बजे आएंगे, 2 बजे छुट्टी होंगे तो थोड़ा लेट जाएंगे, तो मैं भी उनके साथ लंच करने के लिए रेडी हुई हूँ। मुझे आलू का सब्ज़ी इतना अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं पराठा और चाय पीऊँगी पराठा के साथ। एक पराठा लूँगी, मैं ज़्यादा नहीं खाती हूँ पराठा खीर का, क्योंकि मुझे फैटी लीवर का प्रॉब्लम है। इसे हम दोनों एक साथ लंच कर लिया है, बच्चे थोड़ा लेट जाए। और आलू के साथ पराठा, और हम दोनों भी खाएँगे लंच। ये मेरा और टीवी में हम लोग क्या देख रहे हैं, सीसी के मेरा सीसीटीवी देख के खाना खाएंगे। ईशान को लेने इतना जोर से भागी हूँ, कभी कभी गाड़ी इतना जल्दी भी आ जाता है ना, और कभी कभी देर हो जाता है। आते आते मतलब सीढ़ी से उतरते उतरते थक जाते हैं, थक भाग के रास्ता पहुँचा, क्योंकि इतना दूर है ना सड़क तक, रोड के उस तरफ से लाने जाना पड़ता है। इसमें पानी डाल दो,
इसको मैं 1 आवर सोक होने के लिए रख दूँगी। ये मसाला का पाउडर, जैसे कि ये हो गया थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, थोड़ा सा जीरा पाउडर और थोड़ा सा सब्जी मसाला, और ये है गोटा जीरा, टमाटर और थोड़ा सा हरा मिर्ची, ये है डालिया, धो के रखा है मैंने अच्छे से, और ये हो गया छिलका वाला मूंग का दाल, और इसमें ढेर सारा वेजिटेबल्स, ये सबसे मैं मिला के मैं अभी मिक्स वेज डालिया बनाऊंगी। ये है देसी घी, 2 चम्मच में देसी घी दूंगी इसमें। ये जो डालिया है प्योर भेज वाला मैं घी से बनाती हूँ, घी गर्म हो गया है, मैं इसमें डालूंगी गोटा जीरा थोड़ा सा, घी को अच्छा से गर्म होने के बाद थोड़ा सा गोटा जीरा डाल दिया है, और ये जब छटक जाएंगे उसके साथ ही साथ मैंने टमाटर और हरी मिर्ची काट के रखे थे वो डाल दिया है, और अच्छे से टमाटर गल जाने के बाद जितना भी सब्ज़ी है वो मैंने डाल दिया है, और सब्ज़ी के साथ साथ थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार आप डाल दिया है, अच्छा से जो सब्ज़ी मसाला भून जाए, जितना भी मैंने स्पाइसी बेसिक दिखाए थे सारा मसाला को डालने के बाद मैंने जो छिलके वाला मूंग दाल धो के रखे थे वो डाल दिया है, और दालिया को भी धो के रखा था मैंने उसको भी साथों साथ डाल दिया है, और मसाला सब्ज़ी सब कुछ दालिया और दाल अच्छे से भून जाने के बाद आप अपने क्वांटिटी के हिसाब से गर्म पानी डाल दीजिएगा, और ढक्कन लगा के 3 या 4 सीटी लगा दीजिएगा, क्योंकि छिलका वाला मूंग दाल हम धो के ही दिया है, इसको हम भिगो के नहीं रखा था पहले, और जब हो जाएंगे तो मैंने पहले क्या क्या भगवान जी को भोग लगाया, और ये है हम लोग का आज का डिनर, क्योंकि हम लोग भगवान जी को कुछ भी भोग नहीं लगा के नहीं खाते हैं, और सुबह से लेकर शाम तक हम लोग जो कुछ भी बनाते हैं इस भगवान जी को पहले भोग लगाते हैं, उसके बाद ही हम लोग अपना डिनर करते हैं। आज का मेरा वीडियो यही पी होता है।